हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एक्शंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कम से कम बजट में अपना ट्रेडिंग सेटअप कैसे सेट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा ट्रेड सेटअप, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, इसको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखने के लिए यूज़ करता हूँ। मैंने ये लैपटॉप जो है नियर अबाउट 2014 में या 13 में लिया था, 48,000 में मैंने लिया था। तो अभी मुझे ये ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे है मेरा मोबाइल, इस मोबाइल में मैं मनी कंट्रोल के जो न्यूज़ होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए यूज़ करता हूँ, और टॉप गेनर जो होते हैं उनको देखने के लिए भी यूज़ करता हूँ। ये मोबाइल को जो मोबाइल का जो होल्डर है मेरे कार में पड़ा हुआ था, तो मैं उस होल्डर को वहाँ से लेकर अभी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी मेन स्क्रीन है, LG का मॉनिटर है। मैं यहाँ से अपने ट्रेड लेना हो तो यहाँ से इसमें ऑर्डर लेता हूँ, और चार्ट्स में अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखना होगा तो चार्ट्स बड़ा देखना हो तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। और कुछ चार्ट पैटर्न्स है मैं उनको इम्पोर्टेंट लगने की वजह से अपने ग्लास के नीचे यहाँ पे रख दिया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो टैब है मैंने 2020 में लिया था, नियर अबाउट 15,000 में कुछ लिया था, मुझे बहुत ही यूज़ में आया है फ्रेंड्स। क्योंकि मोस्टली जो टाइम होता है मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ देखता हूँ तो इस टैब से देखता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो, आपके पास लैपटॉप और PC इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, तो आप इनिशियल स्टेज में टैब लेकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये रही रोल्स रॉयस की फैंटम कार, ये मैंने फ्लिपकार्ट से 1000 में परचेज़ किया था, क्योंकि ये मेरी ड्रीम कार है। तो इन फ्यूचर अगर मैं स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होऊंगा तो मैं इस कार को ज़रूर लूँगा। इस कार में लाइट्स भी लगती हैं और इसके चारों डोर्स भी ओपन होते हैं, बोनेट भी ओपन होता है और इसकी डिक्की भी ओपन होती है। दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने अपना ट्रेड सेटअप बनाया है। तो इनिशियल स्टेज में आपको जो है इतनी सारी मल्टीपल स्क्रीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप स्टार्ट करने के लिए आप टैब से या अपने लैपटॉप से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे ग्लास पे मैंने कुछ पॉजिटिव कोट्स के पोस्टर्स लगाए हैं। तो गाइज़, आपको जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास मल्टीपल स्क्रीन्स हैं तो आप ही सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने पास जो भी अवेलेबल है आप उन चीज़ों से अपने ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हो। ये तो चीज़ें सेकेंडरी हो गई, सबसे पहले आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए नेट की तो ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे 20 Mbps का प्लान लिया है। तो मुझे ट्रेडिंग करने के लिए 20 Mbps की स्पीड जो है वो सफिशिएंट लगती है। दोस्तों, कुछ इस तरह से मेरा एकदम लो बजट में ट्रेडिंग सेटअप मैंने बनाया है। तो आप भी कुछ इस तरह से अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनसे आप ट्रेडिंग सेटअप ये इस तरह से बना सकते हो। ये मेरा हेडफोन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो टिश्यू पेपर का बॉक्स है, मेरा सेंट है, और ये मेरी जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट मेरी बुलेट की कीज़ है। दोस्तों, बुलेट जो है मैंने 2019 में लिया था, अपने स्टॉक मार्केट के इनकम से ही मैंने बुलेट को परचेज़ किया था। तो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो मुझे अपने बुलेट से बहुत ही ज़्यादा प्यार होने की वजह से मैं इसको जो है अपने रूम में ही रखता हूँ। ये जो पेंटिंग है मुझे गिफ्ट आई थी, तो बहुत ही बढ़िया लगने की वजह से मैंने यहाँ पे लगाया था। दाभोलकर सर की पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है दोस्तों। और यहाँ पे एक वाइट बोर्ड मैंने रखा है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आते रहते हैं सीखने के लिए, तो उसके लिए मैंने वहाँ पर वाइट बोर्ड लगाया है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा ट्रेड सेटअप दिखता है। मैंने अपने जो बुलेट है, बुलेट के राइट साइड भी आप यहाँ देख सकते हो मैंने अपने चैनल का लोगो बनाया है। तो कहीं भी जाऊँगा तो मार्केटिंग के लिए मैंने अपने चैनल का लोगो वहाँ पर बना दिया है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा ट्रेड सेटअप दिखता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।